ये तंगी घुमाते हैं ना, तभी आँखों में से आंसू भी आ जाते हैं, बहुत गर्मी होती है, चक्कर भी आ जाते हैं, कभी कभी तो बीमार भी पड़ जाते हैं। हम अक्टूबर महीने में आते हैं और ये काम शुरू करते हैं, तो ये सॉल्ट पैन बारिश की वजह से ख़त्म हो जाते हैं, तो हम बांधते हैं उसको, फिर से रिपेयर करते हैं। इसमें 2 महीना लग जाता है और उसके बाद पानी भरने के बाद नंगे पैर पगड़ी देनी पड़ती है, रूलर फिरना पड़ता है। उसके बाद हम जब पानी भरते हैं तो 1 महीने के बाद ये हम इसको काटते हैं, करी बनती है और इसमें से चूरा बन जाता है और धीरे धीरे लकड़ी की कंघी हर रोज घुमाते हैं जब खेतों में हल चलाता है इस तरह, तो वो बढ़ता जा रहा है नमक धीरे 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 धीरे, वो 5 महीना का नमक अलग होता है और मार्च महीने में ख़त्म हो जाता है। ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो इतने सालों के अंदर देखा गया है, पेड़ पौधे कट हो रहे हैं, फॉरेस्ट ख़त्म हो रहे हैं, एक साइड हर जगह पे इंडस्ट्रीज़ जो है वो भी आ रही है, एक जगह पे हर जगह पे एयर का पॉल्यूशन जो है वो भी उतना ही इंक्रीज़ हो रहा है, तो ये सारी एक साइड कॉन्क्रीट जंगल जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, वो प्रोग्रेस कर रहा है, तो दूसरी साइड ये जो नेचुरल प्लेस है उसका वेदर भी जो है वो भी कहीं ना कहीं उससे भी अफेक्ट करता है।